कि अगर विकास की यात्रा के साथ जुड़ना है तो मुझे सबसे पहले मेरे गांव को सड़क से जोड़ना है, अच्छी सड़क से जोड़ना है, तेज गति से दौड़ने वाला रास्ता चाहिए मुझे। जो बात गांव के सामान्य व्यक्ति को भी समझ आती है, जो सपना देश के गांव का इंसान भी देखता है, उस सपने को पूरा करने की दिशा में अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दो महत्वपूर्ण बातों की शुरुआत की थी। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में भारत को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए जब श्रीमान अटल बिहारी वाजपेयी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने दो महत्वपूर्ण चीजों को आरंभ किया था। एक, भारत को वैश्विक स्तर पर दुनिया के मुकाबले में लाकर के खड़े करने के लिए एक योजना आरंभ की, और दूसरी, हिंदुस्तान के गांवों के जीवन में बदलाव लाने के लिए, गांवों को कनेक्टिविटी देने के लिए उन्होंने योजना का आरंभ किया। और दोनों योजनाएं, एक थी स्वर्णिम चतुर्भुज एक्सप्रेस हाईवे, पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण, हिंदुस्तान को एक ही ताकत वाला, एक ही क्वालिटी वाला, तेज गति से ले जाने वाला रास्ता बनाने का अभियान चलाया। और आज हिंदुस्तान गर्व से कह सकता है कि भारत के पूरब से पश्चिम को जोड़ने का काम, उत्तर से दक्षिण को जोड़ने का काम वाजपेयी जी की स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के कारण हिंदुस्तान की पहचान दुनिया के समृद्ध देशों के बराबरी में लाकर के रख दिया। दूसरी तरफ, एक तरफ वाजपेयी जी हिंदुस्तान को वैश्विक स्तर पर देखना चाहते थे, तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान के गांव की भी चिंता करना चाहते थे। और इसलिए उन्होंने दूसरी बड़ी योजना बनाई, वो दूसरी बड़ी योजना थी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना। उस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना से हिंदुस्तान के उन गांवों को पक्की सड़क से जोड़ा जाए, ताकि गांव भी गति से आगे बढ़े और स्वर्णिम चतुष्क के द्वारा विश्व की बराबरी करने की क्षमता पाए। इंफ्रास्ट्रक्चर की दुनिया में वाजपेयी जी की सरकार ने ये जो दो अहम बातें हमारे सामने रखी, आज बीच में 10 साल का अंतराल चला गया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, इसकी चर्चा करने के लिए मैं नहीं आया। लेकिन वाजपेयी जी ने दी थी उस गति को आगे बढ़ाना, देश को इंफ्रास्ट्रक्चर की नई ऊंचाइयों पर ले जाना,
उस दिशा में एक बहुत बड़ा अभियान इस सरकार ने उठाया है। एक तरफ एक्सप्रेस हाईवे की भारत के भिन्न भिन्न भागों में श्रृंखला बढ़े, जब एक शहर को 100 किलोमीटर की रेडियस में अन्य छोटे छोटे शहरों के साथ जोड़ा जाता है तो सिर्फ रास्ते नहीं बनते, लेकिन वो 100 किलोमीटर के रेडियस में आने वाले हर छोटा मोटा गांव, हर छोटा मोटा शहर उसी ताकत के साथ विकास की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करता है। दिल्ली के साथ सटकर के ये जो रोड नेटवर्क बनाने का हमने अभियान उठाया है, वो पूरा अभियान दिल्ली के 100-150 किलोमीटर की रेडियस के सारे क्षेत्र के विकास का एक बहुत बड़ा कारण बनने वाला है। सैटेलाइट टाउनशिप डेवलप होने वाली है। जब मेरठ और दिल्ली तेज गति से जुड़ जाते हैं तो मेरठ दिल्ली से भी तेज गति से आगे बढ़ जाता है, देहरादून बढ़ जाता है, और इसलिए ये सिर्फ रास्ता नहीं बन रहा है, ये विकास का राजमार्ग बन रहा है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के विकास में ये योजनाएं बहुत बड़ी ताकत के रूप में उभर करके आने वाली है। अभी नीतीश जी बता रहे थे जो केदारनाथ में भयंकर आपत्ति आई, देश और विदेश के यात्री बेमौत मर गए, संकट बहुत बड़ा था, लेकिन क्या संकट को अवसर में भी पलटा जा सकता है? मेरी सरकार का स्वभाव है हर संकट को भी अवसर में पलट देना, और इसलिए हमने जो केदारनाथ की हादसा हुआ था, आने वाले दिनों में हिंदुस्तान और दुनिया से चार धाम की यात्रा करने वाले लोगों के लिए भविष्य में कोई संकट न आए ऐसी व्यवस्था विकसित करने की दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, और इसलिए हरिद्वार हो, ऋषिकेश हो, गंगोत्री यमुनोत्री हो, बद्रीनाथ केदारनाथ हो, इसको आधुनिक मार्ग से और ऑल वेदर रोड के हिसाब से तैयार करने की दिशा में हमने बीड़ा उठाया है, और उसके कारण उत्तराखंड का विकास भी उत्तराखंड के जन्म से अब तक नहीं हुआ उससे तेज गति से बढ़ने वाला है, और देश भर के यात्रियों के लिए वो एक नई सुविधा का कारण बनने वाला है। आज हमारे देश में जो मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग के नागरिक हैं, उन परिवारों में वीकेंड के कार्यक्रम बनते हैं, वीकेंड में आउटिंग करने का कार्यक्रम बनता है, या वीकेंड में यार दोस्तों को घर पे बुलाने का कार्यक्रम बनता है। धीरे धीरे बड़े शहरों में मध्यम वर्ग और उच्च मध्यम वर्ग में वीकेंड में दो दिन के लिए परिवार के साथ कहीं न कहीं जाना, ये धीरे धीरे एक पारिवारिक जीवन का हिस्सा बनता जा रहा है, लेकिन वह कहां दूर तो नहीं जा सकते,
अगर एक बार दिल्ली के बाहर 100-150 किलोमीटर जाने के लिए अगर अच्छा से अच्छा नेटवर्क मिल जाता है, अच्छे से अच्छे रास्ते मिल जाते हैं, तो दिल्ली से जो मध्यम वर्ग का, उच्च मध्यम वर्ग के करोड़ों नागरिक हैं, जिनको बाहर जाने का मन करता है, ये जो छोटे छोटे शहर है उनके नागरिक, उनको बाहर जाने का मन करता है, ये व्यवस्था उनके काम आएगी। और उसके कारण वीकेंड टूरिज्म एक नया व्यवसाय विकसित होगा इस इलाके में, नौजवानों के रोजगार के लिए एक नया अवसर प्रदान करेगा। एक रात के लिए, दो रात के लिए बाहर जाएं, अच्छी सुविधा मिल जाए, परिवार के लोग जाना पसंद करेंगे। और ये रास्ते जब बनते हैं तो ये सुविधाएं काम आती हैं। आने वाले दिनों में अब जब रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है तो रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ती है। अब करीब करीब 6,000 करोड़ का एक प्रोजेक्ट बनेगा, 8,000 करोड़, 7,500 करोड़। अब ये 7,500 करोड़ का जब प्रोजेक्ट लगता है तो इसमें कितने हजारों लोगों को काम मिलता है। उन हजारों लोगों के लिए कोई चाय की दुकान चलेगी, कोई भोजन का ठेका चलेगा, कितने लोगों को रोजगार मिलता है। जब ये रोड बनता है तो 7,500 करोड़ में से अधिकतम पैसा रोजगारी में जाता है, जो उत्तर प्रदेश के गरीब लोगों को ये रोजगार का अवसर प्रदान करता है। मशीन में या मटेरियल में उतना रुपया नहीं लगता है जितना कि मजदूरी में लगता है। और इसलिए जब इंफ्रास्ट्रक्चर के काम निकलते हैं वो रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, और जब रोजगार के अवसर पैदा करते हैं तब गांव के गरीब की खरीद शक्ति को बढ़ावा देते हैं, उसके परचेजिंग पावर को बढ़ावा देते हैं। और जब परचेजिंग पावर गांव के व्यक्ति का बढ़ता है, गरीब का परचेजिंग पावर बढ़ता है, तो हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नई ऊंचाइयों को पार करती है, नई ताकत को पार करती है। और इसलिए हमारी सरकार जो भी योजनाएं लेकर के चल रही है वो योजनाएं आखिर में गरीब से गरीब व्यक्ति के काम आए, उसको रोजगार दे, उस पर ध्यान केंद्रित करती है। एक तरफ जैसे हमने ये रास्तों के नेटवर्क पर काम तेज गति से आगे बढ़ाया है, वैसा ही दूसरा बड़ा काम उठाया है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। हमारी जितनी कृषि की योजनाएं हैं उन सबको एक बार रिव्यू किया जाए, 100% पोटेंशियल का यूज कैसे हो, जितने किलोमीटर पानी पहुंचाने का योजना में विचार हुआ था अगर वो नहीं पहुंचता है तो कैसे पहुंचाया जाए, आखिरी खेत तक जितने क्वांटम में पानी मिलना चाहिए वो कैसे मिले, और नई योजनाएं नदियों को जोड़ करके पूरे देश में पानी का ऐसा नेटवर्क खड़ा करने का सपना है, ताकि हमारे देश के किसान को कभी बरसात का इंतजार न करना पड़े और बारिश न आए तो आत्महत्या करने के लिए उसको मजबूर न होना पड़े, उस दिशा में हम काम करें। भाइयों बहनों, ये हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना किसानों का प्रदेश है,
हिंदुस्तान का मुंह मीठा करने का काम ये मेरे पश्चिम उत्तर प्रदेश के गन्ने किसान करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि जब दुनिया के बाजार में चीनी का दाम टूट जाता है तो मेरे गन्ना के किसानों का कमर टूट जाती है। और फिर सरकारें क्या करती हैं, चलो इस बार इतना ले लो यार, काम निकाल दो, और गन्ना किसानों के पैसे बाकी के बाकी रह जाते हैं। क्या उसके रास्ते नहीं खोजे जा सकते? क्या चीनी का दाम गिर जाएगा तो मेरे किसान की हालत भी गिर जाएगी क्या? हमने एक बड़ा बीड़ा उठाया है, हमने कहा दुनिया के बाजार में अगर चीनी का दाम गिर भी जाए तो भी किसान को खड़ा रखा जा सकता है। और इसलिए हमने एक काम किया है, अब चीनी में से, अब जैसे गन्ने में से चीनी बनती है, उसके साथ साथ हम अगर चीनी ज्यादा बन गई तो चीनी का प्रोडक्शन कम करो भाई, चीनी के दाम टकाए रखो, लेकिन बीच में इथेनॉल बना लो, चीनी मत बनने दो। अब इथेनॉल बनाएगा लेकिन मार्केट नहीं होगा तो क्या करेगा? और इसलिए सरकार ने कानून बनाया कि हमारी जो बस चलती है, पेट्रोलियम से चलने वाली गाड़ियां हैं, उसमें 5% इथेनॉल को मिक्स किया जाए, इससे प्रदूषण की भी मुक्ति होगी और हमारा गन्ने का किसान जो गन्ना पैदा करता है उससे हमारी गाड़ियां दौड़ेगी, एक्सप्रेस हाईवे भी बनेगा और इथेनॉल से गाड़ियां भी दौड़ेगी तो मेरे गन्ना पैदा करने वाले किसान की गाड़ी भी तेज गति से दौड़ेगी। ये हम विकास का मॉडल लेकर के चल रहे हैं। और इसलिए मेरे भाइयों बहनों, इस विकास की यात्रा को जन जन तक पहुंचाए, आज 31 दिसंबर है, 2015 का ये आखिरी दिवस है, कल 1 जनवरी 2016 का प्रारंभ हो रहा है। मेरी तरफ से आप सबको नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं। इस देश के नौजवानों को नववर्ष में एक अद्भुत तोहफा हम देने जा रहे हैं, एक अद्भुत सौगात देने जा रहे हैं। वो ऐसी सौगात है जो मेरे नौजवान को भ्रष्टाचार से मुक्ति दिलाती है, वो ऐसी सौगात है जो मेरे देश के नौजवान को किसी के आश्रित बनने के लिए मजबूर करने से मुक्ति दिलाती है। सरकार ने फैसला किया है, जो फैसला कल लागू हो जाएगा वो फैसला ये है कि तीसरे और चौथी श्रेणी में सरकारी नौकरी के लिए इंटरव्यू लिए जाते हैं और हम जानते हैं इंटरव्यू का मतलब ही है सिफारिश, इंटरव्यू का मतलब ही है कि किसी बड़े व्यक्ति का कुर्ता पकड़ करके पहुंचना, और जो हक है वो हकदार बेचारा हक से वंचित रह जाता है। और इसलिए सरकार का फैसला है कल 1 जनवरी 2016 आपको नववर्ष की सौगात है कि अब श्रेणी 3 और 4 में इंटरव्यू नहीं किया जाए। टेक्नोलॉजी के द्वारा मेरिट के आधार पर
विधवा माँ का बेटा होगा, अगर उसका हक बनता है उसके घर में नौकरी का ऑर्डर आ जाए। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का एक बहुत अहम कदम हमने उठाया। नौजवानों को रोजगार में ये जो दिक्कतें आती हैं उससे मुक्ति दिलाने का हमारा प्रयास है। मैं देश के सभी मुख्यमंत्रियों से आग्रह करता हूं, देश के सभी राज्य सरकारों से आग्रह करता हूं कि भारत सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए श्रेणी 3 और 4 के लिए इंटरव्यू समाप्त किए हैं। आप भी सभी राज्य सरकारें ये इंटरव्यू का परंपरा खत्म कीजिए और मेरिट के आधार पर नौजवानों को रोजगार दें। नोएडा के मेरे प्यारे भाइयों बहनों, कभी नोएडा वालों को याद नहीं रहता है कि वो उत्तर प्रदेश के नागरिक हैं। उनको तो कभी कभी लगता है कि वो दिल्ली वाले हैं, वो भूल जाते हैं। भाइयों बहनों, मैं नहीं भूलता हूं, आपको पता रहना चाहिए मैं उत्तर प्रदेश का एमपी हूं, मैं भी उत्तर प्रदेश का हूं। और इस प्रदेश ने मुझे जो प्यार दिया है वो प्यार मुझे काम करने की प्रेरणा भी देता है, एक नई ऊर्जा देता है, नई ताकत देता है। और उत्तर प्रदेश के एमपी के नाते भी मैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी को विशेष आग्रह करता हूं कि आप भी श्रेणी और 3 और 4 में जो इंटरव्यू का परंपरा है वो उत्तर प्रदेश में समाप्त कर दीजिए। उत्तर प्रदेश के नौजवानों को मेरिट के आधार पर रोजगार का अवसर उपलब्ध कराने के लिए आप व्यवस्था कीजिए। भाइयों बहनों, हमारी सरकार गरीबों के लिए एक के बाद एक अनेक कदम उठाने के लिए कोशिश कर रही है। कुछ पुराने कानून हैं जो गरीबों की भलाई के लिए, देश के आर्थिक विकास के लिए अब बहुत पुराने हो गए। कई बाबतों में नए कानून बनाना जरूरी हो गया है।